कर रहे हैं। सभी प्रमुख नेतागण, प्रमुख पदाधिकारीगण और इस कार्यक्रम में बहुत बड़ी संख्या में पधारे मेरे सभी बड़े बुजुर्ग, सभी माताएं बहनें, सभी मेरे नौजवान साथियों, मैं सबसे पहले तो आप सबके बीच में कल पूरे दिन भर मैंने भगवान त्रिजुगी नारायण का दर्शन किया। केदारनाथ में भगवान त्रिजुगी नारायण भी का भी एक बड़ा ऐतिहासिक और महत्वपूर्ण स्थान उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जनपद में है। वहां भी विधानसभा का उपचुनाव चल रहा है और पूरे दिन भर वहां प्रचार के बाद मैं सीधे माँ अलकनंदा के तट से, बाबा केदार के प्रांगण से, भगवान त्रिजुगी नारायण के पास से और देवभूमि उत्तराखंड से सीधे आप सबके बीच में आया हूँ मीरा भयंदर में। तो आप सब लोगों ने मेरा यहाँ पहुँचने पर, मेरी बहनों ने मुझे तिलक लगाकर अपना आशीष दिया, आप सब ने यहाँ पहुँचने पर मेरा स्वागत किया, अभिनंदन किया। मैं भी आप सबका दोनों हाथ जोड़कर, सिर झुकाकर आप सबका अभिनंदन करता हूँ, आप सबको प्रणाम करता हूँ। भाइयों बहनों, आप सबको पता है कि महाराष्ट्र के अंदर चुनाव चल रहा है और ये चुनाव बहुत सामान्य चुनाव नहीं हो रहा है, ये पूरे देश की दशा तय करने वाला चुनाव हो रहा है। इस चुनाव में जैसा अभी हमारे जिलाध्यक्ष जी बोल रहे थे कि किस प्रकार से हमको एकजुट होकर, संगठित होकर इस बार मतदान करना है, किस बार एकजुटता का परिचय हमको एक ताकत बनाकर, एक शक्ति बनाकर अपना मतदान करना है, जिससे कि आने वाले समय में यहां पर 5 सालों के लिए जो सरकार चुनी जाए वह ऐसी सरकार चुनी जाए जो सनातन को मानने वाली सरकार हो, जो बाबा केदार पर आस्था करने वाली सरकार हो, जो भगवान राम को मानने वाली सरकार हो, भगवान राम के पदचिन्हों पर चलने वाली सरकार हो, छत्रपति शिवाजी महाराज के पदचिन्हों पर चलने वाली सरकार हो। भाइयों बहनों, आप सबको पता है कि यहां पर जब जब यहां महाअघाड़ी गठबंधन था, उन्होंने अनेक योजनाएं, उन योजनाओं पर रोक लगाने का काम किया था। रेल परियोजना हो, बधावन योजना हो, अनेक योजनाएं जिनको माननीय प्रधानमंत्री जी के विजल्प और संकल्प में, उन सबको रोकने का काम किया गया, अनेक तरह से विकास को अवरुद्ध करने का काम किया गया। आज महायुति की सरकार हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के विजन को आगे बढ़ाने का काम कर रही है, लगातार विकास के कामों को आगे बढ़ा रही है। जो भारत सरकार से जो भी योजनाएं यहां के लिए भेजी जा रही है, उन सभी योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने का काम कर रही है। और आपके बीच में मैं जिनके लिए आज आप सबका समर्थन मांगने के लिए, आप सबका मत मांगने के लिए आप सबके बीच में आया हूं, श्री नरेंद्र मेहता जी, उन्होंने अनेक काम इस क्षेत्र में करे हैं। विधायक रहते हुए, मेयर रहते हुए या अन्य पदों पर रहते हुए उन्होंने लगातार विकास की गंगा बहाई है। विकास को गति देने का काम, जिस क्षेत्र का भी प्रतिनिधित्व किया उस क्षेत्र को उन्नति पर पहुंचाने का काम, शिखर पर पहुंचाने का काम श्री नरेंद्र मेहता ने किया है। और उनको इस क्षेत्र से आप चुनेंगे तो निश्चित रूप से आपके क्षेत्र का चहुमुखी विकास श्री नरेंद्र मेहता करेंगे। मुझे पूरा भरोसा है कि आप सब लोग जितनी बड़ी संख्या में आए, मेरे मन में कोई संशय नहीं है। हमारे अध्यक्ष जी कह रहे थे बार बार कि आप एक साथ रहेंगे तो आप संगठित रहेंगे तो आप सेफ रहेंगे। तो मैं भी आपसे कहना चाहता हूं कि ऐसे समय में हम सबको सेफ रहकर, देखिए आज एक तरफ जहां हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में, मार्गदर्शन में यहां महायुति का गठबंधन आप सबके बीच में चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के साथ,
जो केवल राष्ट्र की बात कर रहा है, राष्ट्रवाद की बात कर रहा है, विकास की बात कर रहा है, आपकी समृद्धि और सुरक्षा की बात कर रहा है, दूसरी तरफ महाअघाड़ी गठबंधन है। ये महाअनाड़ी गठबंधन है भाइयों बहनों, ये ऐसा गठबंधन है जिसको आपकी कोई चिंता नहीं है। आप